अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और एक और बहुत ही उम्दा शख्सियत के साथ आज हाज़िर हुआ हूं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये जो शख्सियत हैं, ये अदब की एक ऐसी शाख जिसे हम तहकीक भी कहते हैं, तनकीद भी कहते हैं और फिर बज़ाते ख़ुद फ़िक्शन भी, ये इन सारे शोबों में इनकी खिदमात रहीं, सहाफ़ती खिदमात रहीं, अदबी जरीदा निकाला, उस हवाले से इनका बड़ा काम है। और सबसे बढ़कर ये इन्होंने तराजुम किए और बहुत ही ट्रेड यूनियनिस्ट होने के नाते इनकी खिदमात रहीं, तो बहुत सारे हवाले हैं, बग़ैर किसी ताखीर के आपकी मुलाकात कराते हैं फ़हीम इस्लाम अंसारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बड़े दिनों बाद आप को देखा और बड़ी खुशी होती है आपका काम देखते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इजमाल से बात शुरू करें। आपका जो रिसाला है, ये एक इशू इस वक्त मेरे हाथ में है और बहुत ही खालिस अदब एक ऐसे माशरे में जहां खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट है, वहां इतना खालिस अदब पैदा करना, उसको छापना, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये कैसे आपने सोचा? असल में जो मैं तो तरक्की पसंद है उससे हूँ, पढ़ता रहता था, लिखता रहता, तो जो कुछ मैं पढ़ चुका था मुझे ये लगा कि ये अब नहीं लिखा जा रहा। ठीक। तो उसमें जब लोगों से बात की तो उनका कहना था भाई लिखे कहाँ, छापेगा कौन। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि एक पर्चा निकालते हैं और उसमें हर तरह के लोगों को जो है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ तरक्की पसंद लिखें बल्कि तमाम लोग लिखें, और ठीक है मुझे अगर कोई इख्तलाफ है तो मैं उसका जवाब लिखूंगा। ठीक। वो लिखे लिखत पढ़त में करें मगर ये कि छापें सबको। ठीक। तो इस उससे मैंने पर्चा निकाला और इसकी खासियत ये थी कि इसमें वक्त वक्त अनवर सदीद, जफर इकबाल और मिर्ज़ा हामिद बेग, वाह, तीनों लिखते थे। क्या बात है। तो और तीनों मतलब एक वैसे जो जी, एक साथ मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। तीनों का होना। तो और हमने बात भी इन सब लोगों से यही की कि ये करें, लेकिन मतलब लोग जो है इस वक्त अदब में भी जो है बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ मसलहत या कुछ वो है कि मतलब लोग लिखने पे भी तैयार नहीं। अच्छा। भाई मैं ये लिखूँगा तो फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, ये करूँगा तो मेरी फ़लाँ नौकरी चली जाएगी। मतलब आपके पास इल्म भी है, आप जानते भी हैं, आप उससे आगाही भी आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। नहीं, लेकिन फ़हीम साहब आप देखिए ना, आपने ये जो जुरत रिंदाना दिखाई, आपने भी तो एक मुकदमा झेला ना, अफाज़ुर रहमान साहब ने जो आपको अदालत में घसीटा, और कितना अरसा आपने, और आप ही खड़े रहे, आपके दाएं बाएं वाले चले गए छोड़ के आपको, और आप खड़े रहे, आपने फेस किया उसको। मुमताज़ रफ़ीक का खाका था फाजुर रहमान पर, उस सिलसिले में ये मुकदमा हुआ था, तो वो देखे ना, अब ये कौन झेलना चाहेगा, किस में इतनी हिम्मत है, ये भी तो मसला है ना। हाँ जी। नहीं, अच्छा वो भी एक वो बड़ा अहवाज साहब को मुझ पर ज़्यादा गुस्सा इस वजह से आया कि उनका ख्याल ये था कि मैं उन्हें जानता हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उससे पहले लोग किसी ने भी उसको उस खाके को नहीं छापा था। जी। अच्छा मैंने छापा उस वक्त, तो मतलब अहवाज के में कोई उसमें मैंने नहीं छापा, दुश्मनी में बल्कि, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली। अच्छा। मतलब जो उनके बेटे से मुताल्लिक थी वो सारी चीज़ें मैंने कहा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सही, बेटे का क्या ताल्लुक है, तो वो निकाली उसमें से। लेकिन ये कि उसमें वो मेरा अपना ख्याल ये था कि अहफाज साहब चूँकि इतने अरसा जंग में, एक्सप्रेस में और वैसे PFUJ के सदर रहे हैं, तो इसका जवाब इससे ज़्यादा तगड़ा आएगा। ठीक। मैंने इस नुक्ते ने यानी आप उस जवाब के लिए तैयार, मैंने इसमें छापा था और मैंने कहा भी कि भाई जो लिख के दें आप हम छापेंगे, ये हमारा काम ही है, हमने निकाला पर्चा इसीलिए। सही। लेकिन ये कि मतलब वो बहरहाल वो भी अपने तौर पे उसमें हक बजानब थे कि उनके खिलाफ था, तो उनको गुस्सा आना था तो आ गया, और उन्होंने तो नतीजा ये हुआ कि 5 करोड़ रुपये का है तक इज्जत का मुकदमा उन्होंने हाई कोर्ट में दायर किया, सिंध हाई कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में 2 केसेस दाखिल किए उसके जो क्रिमिनल केसेस थे इसके ऊपर। तो ये तो चलता रहा, वो 5 साल तकरीबन हमने। मुमताज़ रफ़ीक ने तो उस मुकदमे का बहुत असर लिया, बीमार हो गए वो, बीमार तो हो गए। अब हर आदमी की अपनी वो होती है, उसकी फिजिक वैसे पहले भी वीक था बेचारा, तो वो
जबकि वो बहुत अच्छे खाका निगार हैं, खाका निगार। और उस खाके की मतन ज़्यादातर सच्चाई पर मबनी था, ये बात आप। अब ये तो है ना, हाँ। ये हो सकता है जो बात आप कह रहे हैं इससे कि जो आपके इल्म है वो मेरे इल्म में जी, ये जो मेरे इल्म है वो किसी और के इल्म में नहीं। बहुत सारी बातें उनमें सही थी, दुरुस्त थी, इसलिए कि अफाज साहब और मैं जो है 70 की दहाई से मतलब एक ही जो लिफ्ट का एक ही धड़ा था जिसमें दोनों थे। सही बात। तो बज़ाहिर कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन तंजीमी तौर पे था, तो एक दूसरे के बारे में जानते भी थे, वो भी था। तो वो और वो चलें, ये नाखुशगवार यादें छोड़ें, इनको क्या याद करें। हाँ, इसमें मगर एक ये कि ये मामला आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हुआ, अदालत में नहीं सेटल हुआ। हुआ ये आउट ऑफ कोर्ट, और इसको जो है वो मरहूम मिराज अहमद खान ने कराया। ठीक। उन्होंने जो है वो इसमें वो किया, कहा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। सही। तो उन्होंने ये ख़त्म कराया। बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए ना, यही मामलात हैं जिस वजह से लोग जो आप कह रहे थे ना कि लिखते नहीं, डरते हैं। नहीं, इस हाँ। वजह से नहीं, इस वजह से नहीं, नहीं मैं लिखने को भी नहीं कह रहा। अच्छा। हर एक को मुताद रफीक बनने नहीं कह रहा। ठीक है। मगर ये लेकिन वैसे तो मसाइल हैं, हाँ। आप उन पर लिखें ना, और आपको कोई और दूसरी बात नहीं, मसलन ये कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप सब कुछ, आपको क्या परेशानी है भाई लिखने। हाँ, ये भी ठीक है। तो आप क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? और ये पर्चा बंद भी इसी वजह से हुआ। ये कितने शुमारे निकले आपके? ये 14। 14। और ये सब आपने, जाहिर बात है, अपने पल्ले से खर्चे, इसके खर्चे किए सब, और ये बड़ी कामयाबी से चल रहा था। यानी इसका मतन, इसकी चीज़ें बहुत खालिस थी। मैं बहुत मुतासर था इस पर्चे से, और मुझे अफसोस है कि ये बंद हुआ, और इसको जारी होना चाहिए, और जो लोग हैं अदब के बड़े उनको चाहिए कि वो इस हवाले से सोचें। यकीनन आपने जितनी हिम्मत थी वो आपने दिखाई इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप चाय हमारे यहाँ बनती है ताज़ा, तो आप कैसी चाय पीना चाहेंगे? बस चीनी ना हो उसमें, बाकी सब ठीक है। ठीक है बेटा। तो अगर चीनी डाल दी है, हल्की है या नहीं डाली अभी? डाल दी चीनी, चलो उसमें थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल देना, चाय में दूध डाल के, तो फहीम साहब को पेश करें। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपकी और चीज़ों की तरफ आना है, लेकिन एक बुनियादी सवाल मैं पहले, तरक्की पसंद होने के नाते मैं भी आप ही के कबीले का एक छोटा सा फ़र्द हूँ, तो ये जो तरक्की पसंदी में पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत उरूज मिला तरक्की पसंदी को, अदब तख्लीक हुआ, तहरीकें चलीं, और बड़े, आपने तो वो सब देखा भी अपनी आँखों से, लेकिन अब जब हमने होश संभाला और हम देख रहे हैं और कुछ अरसा पीछे चले जाएं, तो बहुत सारे तरक्की पसंद जो हैं वो तायब हो गए, और ख़ास तौर पे आखिरी उम्रों में। तो क्या आखिरी उम्र में आके ज़्यादा डर लगने लगता है, तरक्की पसंदी बुरी लगने लगती है, क्या वजह होती है? सारी ज़िंदगी जंगजू बने रहे और आखिर में आके डर लगने लगा, और आपने कहा नहीं जी ये तो रास्ता गलत था। असल में ये मामला जो है वो रूस और चीन के डिवीज़न के बाद से शुरू हुआ। ठीक। रूस ने जो डेविएशन किया, जब उसने ख्रुश्चेव ने कहा कि दुनिया में अब सोशलिस्ट इतने ताकतवर हो गए हैं कि जमहूरी ज़राए से भी आ सकते हैं जी, तो उस जमहूरी ज़राए में हर चीज़ होती है, उसमें पैसा भी होता है, उसमें जो वो सारी चीज़ें आई और उसकी जो ख़राबियाँ थी वो भी उसी हिसाब से आई। तो लोग जो है, मैं नहीं कहता कि सारे लोग जो है वो इस वजह से गए, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी गए, और बहुत सारे लोग गए किस इख्तलाफ की वजह से थे, लेकिन इस उसमें आके वो हुए। अब वो जो चीज़ थी वो ख़राबी जो है वो बड़ी आगे जाके, तो उसमें जो है वो मतलब जाहिर है कि फिर आदमी ने जहाँ अपना मफाद देखा, जहाँ जो कुछ देखा, लोगों ने ये सब किया। सही करते भाई, जो हालात उस वक्त थे पाकिस्तान के, माफ़ कीजिएगा, आज कोई बहुत बेहतर नहीं है जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो आपके पास क्या वजह है कि आप उस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मजदूरों के लिए काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे किसानों के लिए काम नहीं करना चाहिए? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब अलावा इसके कि आपकी अपनी सहल पसंदी हो, जो भी आप उसे कह लें, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जी, मगर ये कि ये जो है मैंने वैसे समझ लिया आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आप, मैं कोई मतलब मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं किया ना, मैं इतना वो समझता हूँ, लेकिन हाँ जिस हद तक कर सकते समझते थे उसको उस हद तक किया और उस पर खड़े रहे। बिल्कुल ठीक है, ये सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने मुख्तलिफ़ ज़मानों में ये मुख्तलिफ़
समझ लें, आपने ये किताबचों पे काम किया और ये बड़े नज़रियाती अंदाज के ये किताबचे हैं और इसमें नज़में भी हैं, शोरा पर भी है, जैसे कि ये देखिए आप जिंदा नज़में, उन शोरा का कलाम जिन्होंने फिस्तायत पर मौत को तरजीह दी, कितनी बड़ी बात। तो ये आप आगही और शऊर के लिए जो काम हो सकता था वो आप करते रहे जी। तो आपकी ये जो तरक्की पसंदी की सोच और फिक्र है उसको अपनाया आपने और फिर काम किया, कितना अरसा हो गया ये अदब के उफक पर आपको ये काम सारा करते हुए? ज़माने तालिब इल्मी से आप इस तरफ रागिब हुए? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे रागिब हुए थोड़ा सा जानना? तालिब इल्मी के ज़माने में असल में उस ज़माने, वो ज़माना बिल्कुल और था, उस ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी अच्छी अच्छी तनकीदी नशस्तें होती थी। ठीक, कराची में? कराची में तो तरक्की पसंदों की होती थी, आर्ट्स काउंसिल में, और उस हल्के अरबाब ज़ौक़ की एक हुआ करती थी, तो वो उसमें बहुत बाकायदगी से मैं जाया करता था और वहीं से वो इंटरेस्ट जनरेट हुआ। फिर ये कि इस्लामिक कॉलेज में जब मैंने दाखिला लिया, बीए में इंग्लिश एडवांस लिया, तो मेरी खुशकिस्मती के वो हमारे टीचर जो थे हसन अस्करी साहब थे। अच्छा, हाँ, वो उसकी वजह से जो है वो, हालांकि बिल्कुल उलट नजरिए के, वो मैं यही सोच रहा था कि उनसे आपने तो पढ़ा, लेकिन ये कि उन्होंने वो बड़ी, हाँ, बहुत वो, मतलब बीए के जो इंग्लिश एडवांस है उसमें वो मिडिवल पीरियड की नज़में अज़में हैं। अच्छा, जिसमें जो है वो, तो उसके अंदर ये है कि जब वो पूछते थे कि भाई ये नज़्म पढ़ी है इसका क्या, हम अपना पर्सपेक्टिव बताते थे कि भाई ये है, तो वो मैंने उनको देखा इतने अच्छे उस्ताद, इतने वो थे कि वो चाहते तो हमें, मतलब रद्द करना कोई उनके लिए मसला ही नहीं था। लेकिन वो हमेशा कहते ये थे कि भाई देखो जो कुछ तुम कह रहे हो वो अपनी जगह, इस बारे में एक राय ये भी है, एक नज़रिया ये भी है। क्या बात है, ये तरीका था। तो उससे जो है ये मतलब एक जहन को जो है वसत देने में उन्होंने बड़ा किरदार है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने देखा है कि पुराने ज़मानों में जब आप, आपका ज़माना तालिब इल्मी था, ये जो दौर है 70s का और फिर 80s का और 60s में भी, चाहे तरक्की पसंद होता था चाहे रजाइत पसंद होता था, सब बड़े खालिस लोग थे और एक दूसरे के ख्यालात और नज़रियात का बड़ा एहतराम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो खैर, बल्कि ये कहना चाहिए अब तो वो नज़रियात ही नहीं रहे, नहीं रहे, सही बात, वो बात ही नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर आप किसी चीज़ पर कायम हैं तो वो उसको बहुत नापसंद किया जाता है, लॉबिंग होती है। आप मीडिया में चले जाएं, अदब में चले जाएं, लॉबियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ बुनियादों पर, अगर आप किसी लॉबी में नहीं आएंगे तो आप कहीं नहीं आएंगे। तो ये रवैया हो गया। तो उस ज़माने का मामला, रीत रिवायत और आज का ये रवैया, किस तरह आपको दुख होता होगा? नहीं, ये सब होता उस ज़माने में भी था, इतने ज़्यादा ब्लेटेंटली नहीं होता था, लेकिन अच्छा, होता था। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। और जो लिखने वाला होता है उसी ज़माने में बड़े बड़े अदीब भी जो है निकले, और मैं नहीं समझता कि ऐसी क्यों, बात वही है कि लोग जो है, अब एक तो आप आजकल मामला ये है कि पढ़ने का रिवाज ही ख़त्म हो गया, ये बड़ी बदनसीबी हुई ये, तो वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जी, तो फिर आप लिखेंगे क्या, और आप वो तो ये क्या करेंगे। अब मामला ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो सुनी सुनाई पे चलते हैं और सोशल मीडिया ने और भट्टा बिठा दिया, और भट्टा बिठा दिया, और फिर ये कि मतलब एक बड़ा मार्क्सिज्म अगर आपने पढ़ा जी, तो उसमें एक बड़ी बात यह होती, सबसे बड़ी बात थी जो हमें भी बताई गई कि भाई तनकीद और ख़ुद तनकीद, ठीक, अच्छा आप ये तो है ही नहीं, सिरे से खत्म, ये आपने किया और आप गए, हाय तो सही बात है। ये मतलब कि वो बहुत सारे ये मसाइल हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। आपकी चाय आ गई है, चाय लीजिए, और नाज़रीन आप भी चाय का एक वक्फ़ा लीजिए, अभी वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से हम जोड़ते हैं।
ناظرین گفتگو ہو رہی ہے ایک شاندار ادیب معروف ٹریڈ یونینسٹ اور بہترین ترجمہ کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی پسند فکر کے دانشور جناب فہیم اسلام انصاری صاحب سے. تو آپ نے اتنے زمانے فہیم صاحب دیکھے اور میں نے نوٹ کیا کہ آپ ویسے بظاہر ملنے جلنے میں تو بہت نرم ہیں لیکن آپ نے بڑا بڑا سخت بھی لکھا. آپ کے اداری اجمال کے پڑھتا ہوں, یعنی آپ کی عادت ہے آپ دو ٹوک بات کرتے ہیں چاہے وہ وقتی طور پہ کسی کو بری لگے. اس کا نقصان بھی تو ہوا ہوگا زندگی میں؟ بالکل ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, قیمت دینی پڑتی ہے, بہت دینی پڑتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے کی ہی بات میں کر لیتا ہوں, یعنی جس ادارے میں آپ نے ملازمت کی اور 2011 میں آپ ریٹائر ہوئے وہاں سے. جی, ایک پرویز مشرف کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہ جناب ایک بریگیڈیئر کو لے آئے کہ یہ پی آئی کا ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرے گا. اچھا, اتفاق کی بات کہ ان دنوں کچھ پی آئی میں فوراً پوسٹنگ ہوتی ہے اسٹیشنس ہوتے, تو ایک اسٹیشن پہ ریاض کے اس میں میرا نام آیا. اچھا اچھا, میں اس میں سینئر موسٹ تھا. مطلب اچھا, اس کو وجہ اس کی کیا تھی کہ پی آئی اے میں افسر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو گریجویٹ ہونا ہے. اوکے, میں نے گریجویشن اسی لیے کی نہیں, مجھے یونین میں کام کرنا تھا. ٹھیک, تو میں نے کی نہیں, میں نے بی اے میں داخلہ لیا, اسلام آباد میں پڑھتا بھی رہا, امتحان نہیں دیتا. اچھا, تو وہ جو ہے جب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور بات نہیں چل رہی, یہ آدمی کام میں بھی پرفیکٹ ہے, سینئر بھی ہے, کوئی اس کے خلاف چارجز بھی نہیں ہیں, تو انہوں نے یہ کیا کہ مجھے پروموٹ کر دیا. اچھا, اور آپ یقین کریں کہ میں نے پرویز مشرف کو خط لکھا. اچھا, کہ یہ جو ہے اس طرح یہ ایڈمنسٹریشن پی آئی کا صحیح کر رہا ہے. یاد دیکھیں. اچھا, تو ہاں, تو انہوں نے وہ جو پریزیڈنٹ سیکرٹریٹ پبلک ہوتی ہے اس کو ایک جواب بھجوا دیا کہ جی وہ 100 کے قریب لوگ اس لیے پروموٹ ہو گئے اس طرح کے جو نہیں ہونے تھے, کہ جو ایڈمن مینیجرز ہیں وہ سمجھ نہیں پائے پالیسی کو. یعنی ایک کو آپ نے نکالا نہیں, ایک کو آپ نے شوکاز نہیں کیا, اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے رہے ہو جی, یہ ناسمجھی کے لیے دے رہے ہو لوگوں جی, کو. اور یہ سب تو مطلب یہ یہاں پہ جو ہے نا نقصانات بہت نقصانات ہوتے ہیں اس کے, ہوتے طے کیا ہوا تھا. یعنی دو مرتبہ یہ ہوا میرے ساتھ کہ فارن پوسٹنگ میں کہ مجھے جانا ہی جانا تھا, اور صرف اس وجہ سے کہ میری ایفیلیشن تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. یعنی آپ نے اپنے نظریے کی قیمت دی اس پہ؟ تو مطلب میں نہیں کہتا کہ قیمت دی تھی, اس پارٹ آف دی گیم. اوکے, آپ نے ایک راستہ چن لیا, بالکل, تو پھر آپ کو اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کو بھگتنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج کی نسل کا کوئی اگر پڑھنے والا چننا چاہے راستہ اور ترقی پسندی کی طرف آنا چاہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ دائیں بازو والے تو بڑے منظم انداز میں چیزیں کرتے رہتے ہیں اور کئی جماعتیں بھی ان کی بہت اس حوالے سے متحرک ہیں, لیکن لیفٹ کا طبقہ جو ہے منظر نامہ بالکل خالی ہے. تو کیا کرے, کہاں سے شروع کرے آدمی پڑھنا اور سمجھنا ترقی پسندی کو؟ پڑھنا تو خیر مطلب ہیں تنظیمیں, کو لوگ کرتے بھی ہیں, ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن معاملہ وہی ہے کہ ان کا اپنا جو اب ایک تو یہ کہ جو انٹرنیشنلی کوئی وہ رہا نہیں, جیسے پہلے بہت سارا لٹریچر آپ کو باہر سے مل جاتا تھا, اب وہ ہے نہیں. یہاں تو آدمی کو کسی میں اتنی وہ ہے نہیں کہ وہ کرے کہ آپ کو سب, تو یہ سب مجبوریاں اپنی جگہ ہیں, لیکن پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں, چیزیں مل جاتی ہیں, کتابیں تو ہیں نا, لکھا تو بہت جا رہا ہے نا. بالکل بالکل, جیسے دوسری جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, جو کہ جنگ عظیم کہتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے, میں کہتا ہوں عالمی جنگ, پہلی عالمی جنگ, دوسری عالمی جنگ, تو یہ اب اس کے بارے میں ہم بہت ہمیں فلمیں بھی ملتی ہیں, اور لیکن لیفٹ پر اور لیفٹ کے زوال پر ہمیں سنیما میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ملتی. مطلب اس کی مخالفت میں تو بہت کچھ ملتا ہے, اس کی حمایت میں نہیں چیزیں ملتی. تو کیا کرے آدمی اگر سنیما میں دیکھنا چاہے چیزوں کو, تو اس حوالے سے کوئی آپ کا تجربہ ہے؟ نہیں, اس کے لیے پڑھنا ہی پڑے گا, پڑھنا ہی پڑے گا, پڑھنا ہی پڑے گا. بیسک بات ہے, اس لیے کہ اور تو تمام چیزیں جو ہے اس پہ تبھی تو فرق کر سکیں گے. بالکل, اور مطلب کمرشلزم اور یہ وہ تمام چیزیں اتنی حاوی آ گئی ہیں کہ آپ کو تحقیق اور پڑھنا تو پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ رسالہ ایک میرے سامنے رکھا ہے, عوامی منشور ماہنامہ, یہ آپ نے 28 سال ایڈٹ کیا اس کو, اور یہ کمال کا رسالہ ہے, اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے پاکستان مزدور جو محاذ, اس کا ایک
ख़ास एक नज़रिया और फिर तरक्की पसंदी और फिर ट्रेड यूनियनिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी, तो ये कैसा सफ़र रहा 28 साल किसी चीज़ को एडिट करना, बड़ी बात होती। असल में इसका सारा कमाल तो जो हमारे उस्ताद भी थे और ट्रेड यूनियन में उन्होंने सिखाया भी, वो तुफैल अब्बास साहब का है जो चेयरमैन थे उनका है, और ये सारा का सारा जो इसका मतलब है कि हर तरह के इंतज़ामी मामला जो थे उसको वो हम सिर्फ उनसे कहते थे कि जी इस चीज़ की ज़रूरत है, और सिर्फ ये नहीं कि माली ज़रूरत बल्कि फिक्री और पढ़ने लिखने के हिसाब से हर तरह से जो है वो इसको गाइड करते थे, और उन्हीं की वजह से ये हुआ। तो भुट्टो के ज़माने में ये बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था, तो उसके बाद फिर जब आया तो पहले ये मंशहूर था सिर्फ, अच्छा फिर उसके बाद ये अवामी मंशहूर के नाम से दोबारा हुआ जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा तो ज़ियाउल हक का जो ज़माना आमरियत का जो गुज़रा, तो हम सुनते हैं, हम तो बहुत छोटे थे और होश बाद में संभाला, लेकिन जो पढ़ा हमने और जो सुनते हैं कि बड़ा तरक्की पसंदों के लिए बड़ा सख्त दौर था वो, तो आपने भी वो दौर देखा और आप तो एक्टिव थे उस दौर में, तो क्या क्या हालात थे? अच्छा मेरे साथ एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल रही उस दौर में, हुआ ये कि PII से कोई 2000 लोग निकाले गए, अच्छा उस ज़ियाउल हक के ज़माने में जी, और अगर कोई 100 लोग निकाले जाने थे तो उनमें मेरा नाम होना चाहिए था, ठीक है, मैं नहीं निकाला गया। अच्छा अच्छा हुआ ये कि मेरा जो बॉस था और जो जनरल मैनेजर थी, जो मतलब जो हायरार्की थी, वो काम से मेरे बड़े खुश थे, अच्छा, तो उनमें से किसी ने मेरा नाम दिया ही नहीं। अच्छा अच्छा एक प्रोसीजर था कि भाई डिपार्टमेंट से नाम जाएगा, ऐसे जाएगा, जिसका लेना भी होता था उसको कहा जाता था कि दे दो। अच्छा तो और किसी को मैं याद नहीं आया और उन लोगों ने मेरा नाम दिया नहीं, तो मैं PII में रह गया। नतीजा ये हुआ कि मेरे ऊपर जितनी सख्तियाँ हुई वो बयान से बाहर है। अच्छा और आखिर में मैंने सितंबर 83 में प्रोटेस्ट रिज़ाइन किया। अच्छा या ऐसे हाँ अच्छा रिज़ाइन दिया, मैंने कहा भाई नौकरी कर ही नहीं सकते थे ना, मतलब इतना वहाँ विजिलेंस के डिपार्टमेंट बना दिया, ये बना दिया, वो एक तमाशेबाजी जो है वो लगी रही उस पूरे दौर में, तो वो मैं रिज़ाइन करके बाहर आ गया। अच्छा। इसलिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उफ, फिर वापसी कैसे हुई, कब ये मामलात ख़त्म हुए? वो भी बड़ा लतीफ़ा हुआ कि जब अच्छा। जो वापसी हुई तो ये बेनज़ीर ने एक ट्रिब्यूनल बनाया था, अच्छा, कि जो लोग निकाले गए हैं उनको सबको बहाल किया, मतलब बहाल नहीं किया, रीएम्प्लॉय किया। ओके। मैं जब अपना केस लेके गया तो उनका कि भाई आप तो इस्तीफ़ा दे के गए हैं, आपका क्या है आप इस्तीफे का केस? तो खैर वो जो चेयरमैन था बेचारा NIRC का, वो दोस्त भी था, मैं उस ज़माने में अखबारात में काम कर रहा था तो अच्छा। जानता भी था, तो उसने कहा कि भाई देखो बात यह है कि ये हम सुन ही नहीं सकते, हमारे परव्यू में नहीं है ये चीज़। तो फिर वो इत्तेफाक की बात यह कि आरिफ अली अब्बासी जो है वो उसके PII के MD बन गए, और वो भी जो है वाकिफ थे, तो मैं PII की जो लिस्ट थी जर्नलिस्टों की उसमें मैं मेरा नाम था पहले से, तो वो मिलते थे तो उधर कहीं डिनर पे उसमें, तो कहने यार तुम्हें वापस आना चाहिए, वापस आना है, तो वो फिर मैंने उनको एक दरख्वास्त दी, तो उन्होंने जो है वो वापस लिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा आपने जो तराजुम किए और जो आपकी सहाफ़ती खिदमात हैं उस पर भी बात करनी है, लेकिन एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू हो रही है फ़हीम इस्लाम अंसारी साहब से और बड़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। तो फ़हीम साहब, आपने सहाफ़त जब PII से, ज़ाहिर बात है आप आ गए बाहर तो फिर कुछ तो करना था, तो सहाफ़त का आपने फ़ैसला किया, तो कहाँ कहाँ काम किया, क्या तजुर्बात रहे? नहीं सहाफ़त में PII में रहते हुए भी करता था। अच्छा। तराजीम वगैरह जो है ठीक है, डाइजेस्टों में बहुत कहानियाँ तर्जुमा की, और उसमें चूँकि PII में आप हों तो अपने नाम से करने में थोड़ा सा वो होता था, तो मेरे दो तीन उसमें जाने कलमी नाम थे। नहीं नहीं हाँ कलमी नाम नहीं, जो एडिटर्स थे। अच्छा। वो जानते थे। ओके। तो अज़हर कलीम मरहूम था, इकबाल पारेख था, और इस तरह के दूसरे लोग थे,
तो मैं उनको करके दे देता था, वो जानते थे, वो मुझे पैसे दे देते थे। अच्छा, तो ये होता था। फिर अखबार जहाँ में निसार जुबैरी जो है जी, तो वो उनको कहानियाँ मैं तर्जुमा करके दिया करता था। ठीक। तो उसमें ये है कि उन्होंने ही मुझसे एक नावल जो है लिखवाया इस तरह से कि वो बात हो रही थी कि जी उर्दू में मेडिकल बैकग्राउंड में कोई नावल नहीं लिखा गया। ठीक। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है ये। मोहसिन वाली बैठे थे, ये तो बहुत आसान बात है। अच्छा। मैंने कहा नहीं यार, मुश्किल है। तो निसाज भाई ने कहा यार तुम लिखो। अच्छा। तो वो कोई 13 किस्तों पर एक नावल लिखा आपने। हाँ, दर्द का हासिल। हाँ, दर्द का हासिल। वाह। तो ये किताबी शक्ल में आया? नहीं। लाएं भाई इसको। भाई वो असल में निसार जुबैरी खुद कहा करते थे कि भाई देखो हमारी जो रीडरशिप है वो इंटरमीडिएट लेवल की है। अच्छा। तो इसमें अदब अदब ज़बरदस्ती हम लोग करते थे उनके साथ कभी कभी। हाँ। मतलब मैंने उसमें अल्बर्टो मुराविया की कहानियाँ बहुत तर्जुमा की। अच्छा। मैंने और इकबाल काजमी ने, दो ही आदमी उसको करते थे। अच्छा। तो वो बड़ा उस पर वो होते थे, लेकिन ये बहरहाल कन्विंस करके कि भाई थोड़ा बहुत अदब भी लोगों को पढ़ना है तो। हाँ, सही बात है। तो इससे तरबियत होती है। हाँ। ये आपकी चाय आ गई बगैर चीनी वाली। और वैसे वैसे तो आप मिठास भरी गुफ्तगु करते हैं, चीनी की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, तो जर्मन अदब का तर्जुमा जो आपने किया उसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी है। क्या तराजुम किया? आप जर्मनी गए भी, वो जर्मनी अदब में मैंने जो है वो मतलब एक शायर था हाइनरिश हाइमे। अच्छा। तो उसके बारे में मैं पढ़ रहा था ऐसे ही गोटे इंस्टीट्यूट, कभी कभी मैं चला जाता था तो उसकी किताब मुझे, वहाँ लाइब्रेरियन थी वो केयर करती थी बड़ा, तो उसने एक किताब मुझे दी तो मैंने पढ़ा। तो उसमें कई जगह मैंने पढ़ा कि हिटलर ने कहा था कि अगर कभी मैंने पेरिस पे कब्ज़ा कर लिया, वो हाइनेस जो है पेरिस में दफन है, तो वहीं मरा था वो, तो एग्जाइल में। उसने कहा कि सबसे पहले मैं हाइने की कब्र खुदवाऊंगा। अल्लाह। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो कोई काम का आदमी लगता है। तो उसके बारे में मैं पढ़ा। अच्छा। पढ़ा तो खैर वो मतलब शायरी में अपने ऐसा नहीं था, इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अपने नज़रियात में वो था वैसे। ठीक। तो वो उसको हाइनरिश हाइने को मैंने तर्जुमा किया फिर। ठीक। उसकी शख्सियत शायरी शायरी किताब थी हाइने वो। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो है मशरक़ी पाकिस्तान के मौजू पे कुछ लिखा नहीं गया। ठीक है। जैसे लिखा जाना चाहिए था अदब में, खास था अदब में, बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि जर्मनी के और हमारे हालात बड़े मिलते जुलते हैं। जर्मनी भी टूटा और उसके अब तो खैर रीयूनाइट हो गया, लेकिन उस वक्त तक तो नहीं हुआ था। तो बहरहाल वो और उनकी भी पिटाई बहुत हुई और सब कुछ हुआ। और वहाँ चूँकि एक हायर इंटेलेक्चुअल लेवल था तो उन्होंने उन चीज़ों का लिखा भी। सही। मसलन हाइनरिश बॉल का एक नावल मैंने तर्जुमा किया, उसका था आई नेवर सेड ए वर्ल्ड, तो जुबान से कुछ न कहा के नाम से मैंने किया तर्जुमा। तो वो जंग मुखालिफ आदमी तो नोबेल अवार्ड विनर आदमी है। तो इस तरह से फिर जब उसको पढ़ा, फिर एक इसी तरह एक ज़माने में बच्चों के अदब के लिए कुछ तलाश कर रहा था तो एक जर्मन राइटर है एरिक केस्टनर। अच्छा। उसने बच्चों का एक बड़ा खूबसूरत नावल लिखा तो उसका मैंने तर्जुमा किया जुड़वा शरारत के नाम से। अच्छा। तो इसी तरह स्टीफन स्वायक एक राइटर है जिसने मियाँ बीवी दोनों ने है साउथ अमेरिका में जाकर खुदकुशी कर ली थी, बाद में आकर यहूदी थे, तो उसकी कहानियाँ वो की। तो जर्मन अदब से मेरी दिलचस्पी इसी हुई, लेकिन क्या बहरहाल वो हमारे मौजूदा हालात में तो कुछ इतना वो नहीं था, रेलिवेंट नहीं था, लेकिन बहरहाल एक अच्छा अदब जो है तख्लीक किया गया था। आप जर्मनी गए भी और वहाँ का जो बड़ा कुतुब मेला होता है, सबसे बड़ा दुनिया का, उसमें आपने शिरकत की, कैसा रहा तजर्बा? यार कोई, मैं आपको बताऊँ कि कोई बहुत अच्छा तजर्बा नहीं था। क्यों? उसकी ये थी कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी जानते हैं। हाँ। अब बाकी ज़बानें तो हमें वाकिफ नहीं। तो अब वो मतलब एक इतना तवील मेला लगा हुआ, तो एक दिन मैंने देखा उसको और चार दिन मैं होटल में सोता रहा। मैंने कहा यार वो दूसरी ज़बानों की चीज़ें होंगी। हाँ, अंग्रेज़ी तो एक बस बहुत छोटी सी एक वो है,
था, बड़ा था, अंग्रेजी के हिसाब से भी था, वो देख लिया एक दिन में जो कुछ देखना था। हाँ, ये मुझे जापान में ये मसला आता है। हाँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ और चीज़ें ढूंढता हूँ ना, तो वो यही होता है कि 10% अंग्रेजी आपको चीज़ें मिलेंगी, बाकी 90% तो जापानी ज़बान है। आप क्या, यानी ये सिर्फ मसला हमारे साथ ही है, ये जो अंग्रेज़ी का जो एक गुलामाना एक रवैया हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ ही है इंडिया पाकिस्तान में, कि हम अंग्रेज़ी से इतने मरूब हैं कि 100 साल से ज़्यादा हो गया अंग्रेज़ तकरीबन छोड़े हुए, हमें 74 साल हो गए ना आज़ादी मिले हुए, 75 साल, लेकिन अंग्रेज़ी गई नहीं अभी तक। हम अंग्रेज़ी बतौर ज़बान तो ठीक है, सीखनी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन इसके इसकी ग़ुलाम परस्ती से कैसे निकलेंगे, कुछ नज़र आता है? एक वजाहत करने, मतलब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जर्मन अदब का तर्जुमा किया। हाँ, मैंने अंग्रेज़ी से किया। अंग्रेज़ी से किया, नहीं ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो ये अंग्रेज़ी हमें तो खैर फ़ायदा तो देती है। जी जी। मैं भी जापानी अदब पर सारा काम अंग्रेज़ी के ज़रिए ही करता हूँ, और जापानी ज़बान तो ज़्यादा नहीं आती, सीख रहा हूँ, लेकिन अभी बड़ी इब्तदाई मरहले भाई। मैं आपके पास बात चीज़ें है वो, जब तक आप उस माहौल में, चूँकि गोटे इंस्टीट्यूट में जो लाइब्रेरियन थी वो मिसेस ज़मान, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, तो बहुत सारी बातें मुझे उससे पता चली जो कि अदरवाइज पता नहीं चल सकती। मतलब हाइने ने एक जगह लिखा कि जर्मन वीमेन नेवर स्पीक्स इन बेड। अच्छा, एक जुमला उसने लिख दिया। अच्छा। मैंने जब मिसेस ज़मान को बताया तो कहती भाई ये हाइने के ज़माने की बात है, अब मत करो। तो जो एक कल्चर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें तर्जुमे में आपके समझ में नहीं आती। हाँ। तो वो इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की मुझे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ताज़ा क्या कर रहे हैं आजकल काम, और कोविड का ज़माना कैसा गुजर रहा है ये भी बताइएगा। कोविड का ज़माना सिर्फ सोच के गुजर रहा है। अच्छा। हाँ, लिखने के लिए बहुत कुछ है। और आप तो कहानियाँ भी लिखते थे, अफसाने लिखते थे, उनका क्या हुआ? हाँ, वो तो मतलब असल में जब आप बहुत अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छे नावल पढ़ लें तो फिर जो है वो आप मतलब एक सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है ना। हाँ। वो थोड़ा सा रोकता है। अच्छा, सही सही। तो अब मज़ीद क्या इरादा है? रिसाला आपने बंद कर दिया, लिखना भी आपने कम कर दिया, लेकिन ये कोई हल तो नहीं है ना? ये मज़ामीन मैं सोच रहा हूँ लिखूँगा इसको मैं। तो आप तो इतनी वेबसाइट्स आ गई हैं, अखबारात भी मौजूद हैं, तो कहीं कोई सिलसिला वार शुरू करें? नहीं, वो छपेगा नहीं ना। अच्छा, छपेगा। साइट पे भी नहीं जाएगा। वो आप खुद ही छापें उसको। खुद ही छापें। हाँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक के अपने वो होते हैं, तो वो छपेगा नहीं। सही, ठीक। तो मज़ीद आप फरागत का वक्त कैसे गुजारते हैं? कोविड है, बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, तो कैसे टाइम पास होता है? बस बीवी से लड़के भी गुजार लेते हैं। वाह वाह वाह, ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल ठीक है फहीम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने कहा कि चलें कुछ थोड़ी सी हेलो हाय आपसे की जाए, गपशप की जाए, बहुत मज़ा आया। और हम चाहेंगे आप लिखते रहें इसी तरह, और हमारी रहनुमाई भी करते रहें अदब के मामलात में। तो बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए चाय खाना में, हमने आपको पहले मीठी चाय पिला दी, अब फीकी चाय आपको पिलाई है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। थैंक यू। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, फ़हीम इस्लाम अंसारी से बात की, कुछ ऐसे पहलुओं पर बात हुई जिन पर कम बात की जाती है या जिनको फरामोश कर दिया गया है। तरक्की पसंदी में एक अहम नाम मेरी नज़र में फ़हीम साहब का है, और इनकी शख्सियत से, इनकी सोबत में बहुत सीखने को मिलता है। आज की गुफ्तगू ने आपको मज़ा दिया होगा, बहुत जल्द आपसे दोबारा फिर इसी तरह के किसी मेहमान के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, फ़हीम साहब को चाय भी पसंद आई है, ये इससे हमारी खुशी दुबाला हो गई। मिलते हैं जल्द, खुदा हाफिज़।